नमस्कार दोस्तों, एयरफोर्स की 5 राज्यों के लिए एक साथ ओपन रैली आई है जिसमें आपने ग्राउंड में जाना है यार। जैसे ही कल आपको बताया, वीडियो डाली थी तो आपको बताया भी था कि भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन दबा के, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको टाइम पे वीडियो मिल रही होगी, अगर नहीं किया होगा तो भाई नहीं मिल रही होगी। तो भाई 5 राज्यों की और भर्ती आ गई है। कल मैंने बताई थी वेस्ट बंगाल की, अभी कौन से राज्यों की और भर्ती आई है चलिए इसके बारे में जानते हैं। आप लोगों ने कौन सी जगह पे जाके ये रैली देखनी है, आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, एग्जाम सेंटर क्या होगा, आप लोगों को सैलरी कितनी मिलेगी और एग्जाम रीजनिंग सिलेबस एवरीथिंग यार ए से लेके जेड तक जानेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। अदरवाइज आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझ आया क्या .in के ऊपर। याद रखिए गूगल से सर्च करके भी आप आ सकते हैं और आप लोगों को यहां पे इस पेज पे आके पूरी डिटेल जो है मिल जाएगी और आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो। और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जो PDF है के अंदर पूरी डिटेल होती है इसे लेके जाए तक, उसका लिंक ये रहा। तो जल्दी से यहाँ पे विजिट कर लेना आप लोगों को लिंक जो है डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और जो लोग मेरे पे भरोसा करते हैं और मेरे द्वारा जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए हम सारी डिटेल इसे लेके जेड तक जान लेते हैं। याद रखना इस रैली की लास्ट डेट 5 सितंबर 2018 है, तो 5 सितंबर के पहले पहले ही ये वीडियो देखना। फिर भी लेकिन अगर आप एक चीज बता दूं, हो सकता है इन 5 स्टेट में आपकी स्टेट नहीं आती हो, लेकिन याद रखना आपकी स्टेट की भी भर्ती आने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अभी इस वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल जान ले, अपनी नॉलेज को बढ़ा ले, ताकि नेक्स्ट जब आपकी वीडियो आए तो आप लोगों को सिर्फ यार अप्लाई करने की पड़ी हो, ना कि ये जानने की इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो आप लोगों को बता दूं ये इंडियन एयरफोर्स की भर्ती है ग्रुप वाई की, एयरमैन के लिए नॉन टेक्निकल एंट्री होगी जिसमें आपको ट्रेड यानी कि पोस्ट जो मिल जाएगी मिलेगी ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन और इंडियन एयरफोर्स पुलिस की। ओपन रैली है, कोई फीस नहीं है, डिफेंस की जॉब है, ऑल इंडिया लोकेशन होगी। स्टीफन यानी कि ट्रेनिंग के दौरान जो आपको खर्चा दिया जाएगा वो 14,600 होगा। स्टार्टिंग बेसिक पे 26,900 है। एनसीसी बेनिफिट आपको मिलेगा, रिलेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी कवर होगी, स्टेट कौन सी होगी। देखो अगर आप असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा एंड मेघालय से आते हैं तो आप लोगों ने रैली को विजिट करना है 1 सितंबर को फिजिकल फिटनेस टेस्ट और रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है। और सॉरी, फिजिकल टेस्ट जो है आपका 1 सितंबर को होगा, 2 सितंबर को आपका रिटन टेस्ट, अडाप्ट एबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, अडाप्ट एबिलिटी टेस्ट टू। लेकिन अगर आप आते हैं आल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर से तो आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो होगा 3 सितंबर 2018 को और 4 सितंबर को रिटन अडाप्टेबिलिटी टेस्ट, अडाप्टेबिलिटी टेस्ट 2 हो जाएगा। और 5 सितंबर इन्होंने रिजर्व डे रखा हुआ है। कौन अप्लाई कर सकता है, जैसा कि आपने ऊपर जान ही लिया, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर के जो लोग हैं वो लोग इस रैली को विजिट कर सकते हैं। रैली प्लेस जो है आपका एयरफोर्स स्टेशन बरोजपुर गुवाहाटी असम में होने वाला है। रिटर्न के लिए आपको 11 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर VIP चौक बरोजपुर गुवाहाटी असम के अंदर जाना पड़ेगा। बताना चाहूंगा इसके एग्जाम की अगर बात करें तो आपका इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पे होने वाला है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश पेपर को छोड़कर, ठीक है, दोनों में आपको मिल जाएगा। रिटन को तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपको टिक लगाना है, टाइम मिलेगा 45 मिनट का, आपका रिजल्ट जो है उसी दिन या उसके अगले तीसरे दिन जो है आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश 10+2 CBSE के हिसाब से आप अपनी कर लो और इसी के साथ आप लोगों को रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों ये जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग तो बहुत आसान होती है, इंग्लिश की ग्रामर कर लो तो आपका पेपर जो है यहाँ पे पास हो जाएगा। इसी के साथ आपकी जो लिस्ट लगेगी जब, तो वो 30 अप्रैल 2019 को लग जाएगी 11 एम एंड सिलेक्शन सेंटर VIP चौक बुराजपुर गुवाहाटी असम के अंदर ही। इसी के साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका ऑटो टेक्नीशियन की हाइट 165 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है, 162.5 सेंटीमीटर जो नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट से आते हैं। और बाकी भाई IAF पुलिस के लिए जो जाना चाहता है 175 सेंटीमीटर है सबके लिए। चेस्ट आपकी फैलाने के बाद मिनिमम 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस यार देखो 1.6 किलोमीटर की रनिंग है जो कि 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है आपने 6 मिनट के अंदर ही करनी है, आपने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना स्टेमिना बना लो। स्क्वेट्स होंगे आपके 20, पुशअप आपने लेने हैं 10 और सिटअप्स यानी कि जो नीचे बैठनी है वो है 10, ठीक है। इसी के साथ क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी 12वीं चाहे कॉमर्स, आर्ट, साइंस किसी में भी है आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपकी जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 50% होने अनिवार्य है। आप लोग अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय का
डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो भाई तकरीबन आपका जो स्कूल इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर कम से कम डोमिसाइल आपकी जो स्टेट का नाम है वो लिखा होना चाहिए इसमें से किसी एक का। एज लिमिट यहाँ पे 14 जुलाई 1998 रखी गई है। 26 जून 2002 के पहले पहले आपका जन्म जो है यहाँ पे होना चाहिए 14 जुलाई 1998 से लेकर। एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं है, रैली डेट आपको बता दिया 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक है। अब हम विजिट कर लेते हैं यहाँ पे कुछ पीडीएफ के अंदर, तो चलो यहाँ पे भी अगर हमें कुछ और जानकारी लेनी है तो देखो यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट शैल बी 6 AM यानी कि सुबह 6 बजे ही आप लोगों ने यहाँ पे पहुंच जाना है। और आप लोगों को इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं चलिए वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। आप भी पीडीएफ को प्लीज रीड कीजिएगा क्योंकि बहुत बार हम भी यार कुछ मिस कर जाते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि भाई हम 100% श्योर हो, 100% हर एक चीज हम बता के जाएं, तो बड़ी सारी चीजें दोस्तों रह जाती है। यहाँ पे आप लोगों ने ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जानी है और ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ड्यूली सन ऑफ एयरफोर्स, मतलब कि अगर रिलेशन एनसीसी किसी के पास है तो वो भी ले जाइएगा। आप लोगों ने 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ अपनी 12वीं की और 10वीं की, यानी कि ओरिजिनल तो लेनी ही लेनी है, और 4 फोटो कॉपीज भी ले जाना और उसके ऊपर अपने साइन कर देना। इसी के साथ आपने 7 अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो लेके जानी है। लाइट बैकग्राउंड, ज्यादा डार्क बैकग्राउंड बिल्कुल मत रखना यहाँ पे। और आप लोगों ने यहाँ पे स्लेट जो है वो पकड़ी होनी चाहिए और उसके ऊपर डेट और नेम मेंशन होना चाहिए कि फोटो आपने कब ली है, और वो चाक से लिखा होना चाहिए, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने साथ HB की पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, गम, ट्यूब, स्टेपलर, ब्लैक ग्लू पिन सारा कुछ लेके जाइए रिटर्न वाले दिन, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये कुछ है डॉक्यूमेंट जो आपको बता दिए, बाकी आप भी रीड कर लीजिएगा। आई होप इतना ही है, फिर भी आप लोगों ने तसल्ली करनी है अपनी। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो यार आपको भी पता होगा कि वीडियो पे कितनी मेहनत लगती है किसी चीज को स्टडी करना, तो प्लीज वीडियो को शेयर एंड लाइक करते रहिएगा ताकि हर किसी के पास ये न्यूज पहुंच सके और कोई भी आज ये ना बोले कि मुझे नौकरी नहीं मिली। किसकी वजह से? आपकी वजह से, क्योंकि आपने शेयर नहीं किया। दोस्तों मैंने तो यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर दी, क्या आप अपनी ड्यूटी करेंगे अपने देश के लिए या नहीं मुझे जरूर बताइएगा। हम सरकार को बोलते हैं कि वो वैकेंसी नहीं देती, लेकिन आप क्या वैकेंसी को आगे बढ़ावा देते हैं या नहीं देते, आज हम इस वीडियो को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?